खबर कोरिया जिले से है, जहां देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बैकुंठपुर स्थित राजीव भवन से रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि सब्जियों का भाव महंगा हो गया है और पेट्रोल डीजल का भी भाव महंगा है। इसके साथ ही 2014 से लेकर अब महंगाई 200% ज्यादा तक बढ़ गई है। इस विषय में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे ने कहा कि उनके पास अब यही बचा है, न्याय यात्रा निकालना और विरोध प्रदर्शन करना। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में महंगाई जो चरम सीमा पर है, लहसुन 400 रुपए किलो है, सब्जियों का भाव बहुत ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर 1000 के पार है। मोदी जी सरकार पर आए, जब आए थे 2014 में उन्होंने भाषण दिया था तो वो मनमोहन सिंह को कह रहे थे कि इतनी महंगाई है कि हमारे प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आज महंगाई 2014 से आज 200% ऊपर है, वो महंगाई का माँ बोलने को क्यों तैयार नहीं है? सिर्फ जुमलेबाजी करके सरकार चला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता की समस्याएं जो मेन है, युवाओं को रोजगार देना, उसके लोगों को भटका कर उनके हाथ में अक्षत और चावल धरा कर गली गली में घुमवा रहे हैं। क्या ये पास अब यही बचा है, न्याय यात्रा निकालना, विरोध प्रदर्शन करना? जो कांग्रेसी आज विधवा प्रलाप कर रहे हैं, उस समय कहाँ इनकी बोलती बंद थी, आज बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। अरे जिस समय आदरणीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद जब ये 2004 में आए, उस समय 35 रुपये अटल जी के समय तेल था, इनके समय में 85 रुपया हुआ, और आज 10 सालों में कितना, 100 रुपये। तो कहाँ आप देखिए 10 सालों में कितनी महंगाई बढ़ी। और हमको कांग्रेस से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं कि इस देश की जनता ने बता दिया कि विधानसभा में भी 2 लाख को चटाए हैं और लोकसभा में भी। मोदी जी जानते हैं कि हमको जनता के लिए, गरीब जनता के लिए क्या करना चाहिए, और आज जनता का काम कर रहे हैं।